6 साल से इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। जब भी ये 10 कदम चलते थे तो इनकी इतनी सांस फूल जाती थी। डॉक्टर के द्वारा इनको पता चला कि इनका हार्ट सिर्फ 30% ही काम करता है। 6 साल से मेडिसिन खा रहे और बताते कि हमेशा ये बेड पर ही रहते थे, बिस्तर पर ही रहते थे। थोड़ा सा चलते थे तो इनकी इतनी ज्यादा सांस फूल जाती थी। इनको ऐसा लगता था कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। और साथ में इनके दोनों पांव की तलियों में अपोस्ट्रोफी बहुत ज्यादा जलन रहती थी, सेक निकलता था। कि इनके घर वाले इनको इलाज भी करवा रहे थे लेकिन कोई आराम इनको नहीं मिल पा रहा था। अपोस्ट्रोफी इस बहन का नाम सविता है और ये पिक्कीविंड के रहने वाले हैं। और ये बताते कि पिछले 6 साल से इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। बताते कि जब भी ये 10 कदम चलते थे तो इनकी इतनी सांस फूल जाती थी। ये बताते कि इसी प्रॉब्लम के कारण ये बेहद परेशान थे। और जब इन्होंने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर के द्वारा इनको पता चला कि इनका हार्ट सिर्फ 30% ही काम करता है। बताते कि डॉक्टर ने इनको रेगुलर मेडिसिन खाने के लिए बोला था। डॉक्टर की रिपोर्ट में बताया गया कि 30 ये देखो वो लिखा है ना 30%, सिर्फ 30% इनका हार्ट काम करता था सिर्फ। आप बताओ उसको क्या कहना चाहता है वो। हालेलुया। अपोस्टल जी, इनका LVEF लेवल होता है जो मतलब हार्ट की पंपिंग होती है, वो हमें मतलब 40-60% नॉर्मल चाहिए। तो लेकिन इनकी 30% चल रहा था हार्ट इनका पंपिंग। 40-50 चाहिए जी, 40-60 के बीच चाहिए। 40-60 के बीच चाहिए जी अपोस्टल जी। तो इनकी कितनी चल रही थी? 30% सिर्फ 30 जी। वैसे हर एक का जो हार्ट पंप करता है ना, वो मेरे पास भी रिपोर्ट्स मैंने देखी है, जो परमेश्वर ने जो हार्ट की पंपिंग सिस्टम बनाया है ना, वो 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर, 50 से नीचे नहीं, ऊपर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कम होता है, लेकिन यंग्स लोगों का 55-60 काम करता है पंपिंग। तो अब देखो उनका कितना काम करता है, 30%। आप जानते हो 25 पे आ जाएगा ना, 25 पे तो एक मशीन डलती है, उसको बोलते हैं पेस मेकर मशीन। फिर वो थोड़ा सा 5% हार्ट को पंपिंग बढ़ा देता है, लेकिन कुछ भी कर लो काम तो खराब है ना पूरा, सोचो। अच्छा बताओ क्या हुआ फिर? और अपोस्टल जी, इस प्रॉब्लम के लिए ये पिछले 6 साल से मेडिसिन खा रहे और बताते कि हमेशा ये बेड पर ही रहते थे, बिस्तर पर ही रहते थे। क्योंकि जब भी ये थोड़ा सा चलते थे तो इनकी इतनी ज़्यादा सांस फूल जाती थी। और बताते कि इस प्रॉब्लम के कारण लगातार नेगेटिव बातें इनके मन में चलती रहती थी। इनको ऐसा लगता था कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। और साथ में इनके दोनों पांव की तलियों में अपोस्टल जी बहुत ज़्यादा जलन रहती थी, सेक निकलता था। इन दोनों प्रॉब्लम्स के कारण ये सिस्टर अपने जीवन में बेहद दुखी थे, परेशान थे। और बताते कि इनके कारण इनके घर वाले भी परेशान थे, क्योंकि इनके घर वाले इनको इलाज भी करवा रहे थे लेकिन कोई आराम इनको नहीं मिल पा रहा था। और अपोस्टल जी, जब ये पहली बार थर्सडे हमारे पास आए मीटिंग में, उस समय ना ही तो इनको विश्वास की नॉलेज थी और ना ही तो इनको परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करना आता था। और अपोस्टल जी, ये पहली बार आए और आपके ऊपर जो ग्रेस काम करती है, उस ग्रेस ने उसी दिन इस बहन के जीवन में काम किया। आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई जिसका सीन हमारे पास अवेलेबल है। ओ सपनों छुड़ाएगा, बदलता जाएगा, सपनों छुड़ाएगा, बदलता जाएगा, ओ सपनों छुड़ाएगा। और अपोस्टल जी, उस दिन के बाद उसी समय पहली बारी परमेश्वर की सामर्थ ने आपके द्वारा छुआ। उसी दिन से ये बैंड पूरी तरह अच्छे से चल रहे, कोई सांस नहीं फूल रही, कोई हाँ, सेक बात करो, बात करो मेरी इससे। 6 साल से आप इतनी तकलीफ विच सी, आमेन, जय मसीह की, जय मसीह। तुसी 6 साल तो बहुत ज्यादा तकलीफ विच सी, बहुत ज्यादा दवाइयां खा रहे सी, हां जी।
बेड ते ही चलिया नहीं जाता, सांस चढ़ती, मतलब इन इस हालात में तुहानू की फील हुंदा है? मैनू रात नू नींद नहीं सी आंदी, मैं सारी सारी रात रोंदी रहंदी सी। मतलब क्या होता था, सांस नहीं आती थी? सांस भी नहीं आती थी ते पैरां च जलन सी भी होती सी। कोई नहीं, आप पंजाबी में बात करो, तुहाडे सां ना आण दी वजह दे नाल तुसी सारी रात जागदे? जागती रहती। क्या हुंदा है उस रात, की फील हुंदा है? जद मैं लम्मे पैती ही मेरा सां गुम हो जाता है। गुम हुंदा है? दरवाजे बंद हो जाओ, जैसे वो होता ना, क्या कहते हैं उसको, लिफ्ट, उसमें भी सफोकेशन होता है। सोचो इसको खुले कमरे में ऐसे दम घुट रहा है, क्योंकि पंप काम नहीं कर रहा ना, हार्ट की बीमारी आ गई। हार्ट की बीमारी, अभी तक साइंस के पास, मेडिकल साइंस के पास ये इलाज नहीं आया कि हार्ट भी चेंज हो जाए। हार्ट कभी चेंज नहीं होता, एक बार खराब हो जाए तो बंदा जितना चला चला बाद में डेथ। किडनीज का इलाज आ गया है, वो तो ट्रांसप्लांट हो जाती है, लेकिन हार्ट किसका ट्रांसप्लांट करोगे, क्योंकि हर एक के अंदर एक ही हार्ट होता है। सोचो जब बंदा मरता है ना, हार्ट ही काम करना बंद कर देता तो मर जाता है, तो फिर जिंदा बंदे का निकाल कर डाल दें दूसरे बंदे में। इसलिए हार्ट का इलाज नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उस दिन से, तो दौड़ कर दिखाओ, चल कर दिखाओ। धन्यवाद परमेश्वर का। पंचो ये देखो, हालेलुया, बड़ी गवाही, बड़ा काम, तारीफ ऊंची चाहिए कलीसिया, तारीफ ऊंची, धन्यवाद। आंख बंद करके उसकी तारीफ करो खुदावंद की, कि वो जिंदा है। वो देखो कितना दौड़ कर आ गई, जो चार कदम नहीं चल सकती थी। ये प्रूफ है कि खुदा जिंदा है और हमारे साथ है। यीशु जिंदा है, वो हमारे साथ है। तुम्हें अपना मन और तगड़ा करना पड़ेगा। ये जो तुम्हारे पास खड़े हैं भाई जी, ये कौन है? ये मेरे पति देव। ये पति है आपके, महान पुरुष जी। हाँ, आप भी कोई बात कर लो हमसे। आप खुश हो? आप खुश हो? खुश। किसने काम किया ये बड़ा? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने, भला बंदा है ना, इसलिए परमेश्वर को बरकत दे। आमीन, हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहां आ सकते हो सुखपाल राधा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारन रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।